नमस्कार, जन्म मुंटोडे में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष। आज मैं मालीपुर धर्मदेव सिंह के आवास पर बैठा हूं। धर्मदेव जी जबकि पत्रकार संघ राष्ट्रीय पत्रकार संघ के अम्बेडकर नगर के जिला अध्यक्ष भी हैं और ब्यूरो चीफ अम्बेडकर नगर भी हैं। आइए, मैं इसे जानता हूं कि इनका एक खुद का पर्सनल प्रकरण है। इनके द्वारा जानते हैं कि क्या मामला है कि जो राहुल धर्मदेव सिंह इस समय जो है प्रशासन शासन के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। राहुल साहब, ये बताइए कि क्या मामला है, आपको शासन प्रशासन क्यों प्रताड़ित कर रहा है, ये विषय क्या है जो आप इससे बहुत विचलित हुए हैं और हम लोगों को सूचना आपने दिया मैं इस तरीके से परेशान किया जा रहा हूँ, तो मामला क्या है? मामला ये पुरानी आबादी को लेकर के है जिस पर हमारा कम से कम 50 साल से कब्जा है। उस पर जो है हमारे जानवर मारे जा रहे हैं, वो हमारी पुश्तैनी आबादी है। लेकिन गांव की एक दबंग महिला है जो कि अपने को एक सरकस मानती है। क्या नाम है उसका? ज्ञानमती और उत्पत्ति दोनों महान थी। ये इनका घर जो है हमारे घर से पुरस्कार लिए है और हमारी आबादी जो है हमारे घर से पश्चिम लाई हुई है। केवल विवाद इतना है कि इनके ना तो कोई भाई है, इनके पिताजी ने जो है इनकी माता जी ने हमारी माता जी के कहने से अपनी जमीन को हमारी माता जी ने निकाल दिया। उसी जमीन पे बार बार दबा बना रही है कि अगर हमको जमीन नहीं दोगे मैं आबादी मार कर जाऊँगी। नहीं, हमारा उस पर जो है बाउंड्री वॉल है, उसके किनारे से रास्ता है जी, बाउंड्री अभी भी है। उसी के बाद ये जो उसी बाउंड्री का अपना निर्माण करवाना चाह रही है। जबकि मार्च महीने में हमने अपना गिट्टी मोरन सरिया सब आ गिरवाया है और इस मामले में हमने जिलाधिकारी को एक रिश्ते पर और कप्तान को एक रिश्ते पर हमने दे भी दिया है। जैसे कि ये जो प्रोसीजर होता है सिस्टम का कि हम अधिकारियों से जाके मिलने का, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग तो थाने से होती है। आपको कौन सा थाना लगता है? थाना मानीपुर है। जब हम सत्यों से मिले तो सत्यों ने वहाँ दोनों पार्टी को बुलवाया। उन्होंने कहा कहता है कि समझौता हुआ हमारे दोनों बीच में, लेकिन इसमें जो है पति के बीच में ज्ञानमती के बीच में ज्ञानमती का पति दोनों के बीच में समझौता हुआ है। इसमें यह हुआ कि जब पैमाइश हो जाएगी तभी जो है कोई नया निर्माण दोनों पक्ष करेंगे। अगर कोई पक्ष निर्माण करता है तो इसकी जानकारी अगला पक्ष होने की। मामला क्या हुआ कि मामला ये हुआ कि हमारे गाँव के नाम अभी कुमार भी एक सी है, कोटेदार भी एक सी है और शायद हमको जहाँ तक सुविधा की लेखपाल भी हमारा सीधी है। उसी के कहने पे वो जो है कभी ज़्यादा तो पकड़ा दिया लेखपाल। लेखपाल आया हमारे घर जो अप्लीकेशन उसने दिया, लेखपाल जब आया तो उसको हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट दिखाया कि ये मामला हमारा न्यायालय में विचाराधीन है। यानी कि जातीय समूह जो है वर्ग लेके पक्षीय जो है मतलब एक खाली हो रहे हैं आपके घर, क्योंकि सभी लोग एस सी हैं। बस यही बात, जातीय समीकरण के आधार पर जो है आपके मतलब आपको प्रताड़ित किया जाता है। मालीपुर थाना कोई संज्ञान नहीं ले रहा है? मालीपुर थाना का कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो एस डी लगवा दूंगी। तो आपने एस डी एम को सूचना दिया? हमने सूचना दिया SDM को। SDM को हमने अपना सूचना कागज भी दिखाया, उन्होंने लिया। नहीं, कैसा कागज था? वो अदालत का या नहीं? अदालत का कागज था जो न्यायालय में चल रहा है। हमने बताया श्रीमान जी हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इनके इनके पास कोई आदेश हो तो दिखाएं कि हम हमारे पक्ष में कोई आदेश हुआ, इसमें तारीख लगी है। दो प्रार्थना पत्र दिए हमने IDRF मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाई अपनी, लेकिन कहीं से कोई 112 नंबर तीन बार गई। जब हमारा जिसकी मोहरा उठाने लगी तो हमने 112 नंबर पर कॉल किया, 112 नंबर में 500 रुपया दिया। इसके बावजूद भी थाना एस एच ओ जो है उस काम को जारी किया। एस एच ओ जबरदस्ती और SDM करवा रहे हैं SDM जबरदस्ती करवा रहे हैं। जब मैं जाता हूँ कहते काम रुका दिया, जब काम करवा रहे हैं SHO से जब कहे तो कहते हैं कि SDM जाएंगे, SDM से कहते हैं बीच में इसमें जो है केवल पैसे की ज्यादा अनक है। धर्मदेव सिंह का कहना है या तो पत्रकार संघ या पत्रकारिता जगत से इन अधिकारियों को चिढ़ होगी या पैसों की खनक इतनी तेज होगी
कानों में देखने भर दिया गया है कि मेरी आवाज़ को लोग सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप अगला कदम क्या उठाना चाहेंगे, क्या आपका विचार है? हमारा विचार यही, अगर हमको एसडीएम साहब तक परसों तक न्याय नहीं दिए तो हमारा पत्रकार संघ जी मुख्यमंत्री से मिलेगा और अपनी समस्याओं को अवगत कराएगा। आप देख रहे हैं पत्रकारों के साथ इस तरीके से मतलब अगर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ के अधिकारी वर्ग लोग इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ किस तरीके से पेश आते होंगे, ये एक सोचने की बात है। जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों को कहते हैं कि उनके सम्मान में किसी प्रकार की कमी न हो, चूँकि पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो समाज के आईनों को, अच्छाइयों और बुराई को समाज के सामने लाता है, भारत का वो चौथा स्तंभ होता है, पत्रकारों को बार बार जो है उसको प्रताड़ित न किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, वहीं पे इस तरीके से अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी और SHO थाना किस तरीके से जातीय समीकरण के पैसों की खनक की, भाई साहब का कहना है कि हमें लगता है कि पैसों की खनक है या पत्रकार संसचिव है, इस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाता है। राहुल मुंशी का कहना है कि अगर इस तरीके से उसको न्याय नहीं मिलता है तो मैं मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में जाके पूरे पत्रकार संघ के साथ जाके वहाँ पे मैं मुख्यमंत्री को भी दरवाज़ा खटखटाऊँगा, वहाँ पे भी गुहार लगाऊँगा न्याय के लिए, पत्रकार संघ के सम्मान के लिए। और इनका कहना है कि अच्छा ये बताइए, मान लीजिए अदालत जो निर्णय देगी तो उसको आप मान्य करेंगे, मान लीजिए वो देता है या उनके पक्ष में देता है, इससे आप क्या कहेंगे? हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि महोदय जी आदेश न्यायालय जो भी आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे। अगर अदालत आदेश देती है कि निर्माण करना इनकी जमीन है, ये निर्माण करना हमको कोई आपत्ति नहीं है, अगर अदालत हमको आदेश देती है तो हम निर्माण करवाएंगे, इनको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हमने इस मौके में 145 के लिए भी SDM को दिया है।